ये बेतिया का बहुत खास है क्योंकि यहाँ मिलता बहुत बेहतरीन ताश है। वाह 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 वाह। ताश के अलावा यहाँ पर न्यू रिसेंटली कबाब भी ओपन हुआ है। कि ये जो आपका शॉप दुकान है ये कितनी साल पुरानी दुकान है? ये कम से कम 40 साल पुरानी है। 40 साल पुरानी दुकान। तो यहाँ के टेस्ट के बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? कैसा लगता है यहाँ का ताश? बहुत मशहूर है, बचपन से हम लोग खा रहे हैं। इंट्रो देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे ये बेतिया का बहुत खास है क्योंकि यहाँ मिलता बहुत बेहतरीन ताश है। वाह 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 वाह। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी तारिक सैफुल्ला और आपका स्वागत है तारिक सैफुल्ला व्लॉग्स में। ये मेरे साथ अब्दुल भाई हैं और ये मेरे साथ आकिब भाई हैं और आज हम लोग फिर आप लोग खिदमत में हाजिर हैं फूड व्लॉग लेकर के। मैं आपको बता दूं यहां हम दोनों भाई लोग अक्सर शाम के टाइम आकर के खाते हैं और भी बहुत सारे लोग आते हैं खाने के लिए। यहाँ का टेस्ट बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन रहता है। मैं लोगों से भी रिव्यू लूंगा और अपना भी आपको बताऊंगा। आप लोग कैसा टेस्ट लगता है यहाँ का? बेशक आता है। आपको कैसा लगता है? ताश के अलावा यहाँ पर न्यू रिसेंटली कबाब भी ओपन हुआ है और जैसा कि आप लोग जानते हैं चंपारण के लोग खाने के बहुत ही शौकीन रहते हैं, कबाब हुआ, ताश हुआ, क्या भाई? तो ये आपको बेतिया में अयूब ताश जैसा ताश पूरे बेतिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए मैं आप लोगों को प्राइस भी बताऊंगा और दिखाऊंगा भी, लोगों से भी पूछूंगा यहाँ के बारे में। एड्रेस मैं आपको बता दूँ, सबसे जरूरी होता है एड्रेस। एड्रेस अगर मैं बताऊँ तो बेतिया में नया टोला मस्जिद वहाँ आपको दिख रहा है। इधर से रास्ता दिखाइए, ये संत घाट का रोड है, नया टोला मस्जिद है, वहीं पे आपको मिलेगा। नया टोला में आकर के अयूब ताश होटल किसी से पूछिएगा वो बता देगा ये इतना खास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अब्दुल भाई कैसा है? बढ़िया है। और ये चिकन कबाब है जी, शुद्ध घी के साथ। घी थोड़ा आइए अंदर दिखाइए तो थोड़ा खोल के। ये अगर हमारे जो कैमरामैन है नजदीक आकर के दिखाएंगे, बहुत खुशबू और घी भी जो शुद्ध घी है जी। तो इसका टेस्ट तो मैंने अभी कबाब का टेस्ट नहीं किया, ताश का मैं अक्सर बचपन से आके यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ और ताश का एकदम बढ़िया रहता है। कबाब भी मैं टेस्ट करके आप लोग को बताऊंगा। इसका रेट क्या है? 350 रुपए केजी। तो आप कबाब भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं और ये एक बहुत ही बढ़िया चंपारण वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि ताश के साथ साथ कबाब भी आ रहा है। ये देखिए भैया पैक कर रहे हैं, यहाँ पर पैक हो रहा है। मैं यही कहना चाहूंगा, इधर थोड़ा कैमरा ऊपर किया, देखिए पैक हो रहा है और हमारे भैया आ रहे हैं, हमारे चाचा खाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जो भी मेरी भाभी, मेरी दीदी, मेरी मौसी और मेरी चाची देख रही है, आपके साथ गद्दारी हो रहा है। तो ये लोग यहाँ पर खाकर चुपके चुपके चले जाते हैं। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो पैकिंग का व्यवस्था है, आप कहिए भैया से, चाचा से कि हाँ अयूब का ताश हमको खाना है, अयूब ताश होटल का ताश बहुत लाजवाब है। तो फाइनली मैं अयूब ताश होटल के ऑनर के पास आ चुका हूं। चलिए मैं इनसे कुछ बातें जानने की कोशिश करता हूं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम, बोलिए आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद अयूब। आप ही का नाम अयूब है? मोहम्मद अयूब, हाँ। तो इन्हीं का नाम अयूब है और इन्हीं के नाम पे होटल का। सबसे पहले मैं इनसे पहला सवाल ये करना चाहूंगा कि ये जो आपका शॉप दुकान है ये कितनी साल पुरानी दुकान है? ये कम से कम 40 साल पुरानी है। 40 साल पुरानी दुकान है। तो ये जो दुकान आप देख रहे हैं 40 साल पुरानी दुकान है, पहले यहाँ नहीं था, पहले लिबर्टी सिनेमा था। पहले लिबर्टी सिनेमा था। दो साल हुआ यहाँ आए हुए। मैं एड्रेस आप लोग को बताया हूँ, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी दे दूंगा। और यहाँ पर और क्या क्या मिलता है? मुर्गा का ताश मिलता है और कबाब मिलता है, चिकन ताश और कबाब मिलता है। जैसा कि आप लोग ये ताश देख रहे हैं, अयूब चाचा ताश हमारे बना रहे हैं। इनका अखलाक, इनका मोहब्बत भी बहुत ही बेहतरीन है और इनका ताश भी बहुत ही बेहतरीन है। ताश का क्या प्राइस, रेट क्या है ताश का? 80 रुपए प्लेट, एक प्लेट में 4 पीस होता है। 80 रुपए प्लेट है और भुजा जितना बार चाहे आप ले सकते हैं, भुजा वगैरह। और यहाँ का अगर आप एक बार ताश खाइएगा तो फिर ताश के दीवाने हो जाइएगा। तो देखिए कितने खूबसूरत तरीके से अयूब चाचा ताश बना रहे हैं और इनका ताश का एक्सपीरियंस 40 साल से दुकान है। तो 40 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस कितना है तजुर्बा? तजुर्बा बहुत दिन का, जितना उम्र हुआ लगभग 50 साल का तजुर्बा है। 50 साल का, क्योंकि 40 साल से आप बना रहे हैं तो इससे पहले भी आप बनाते होंगे। कबाबे तो ताश की दुकान करते थे, मतलब इनका पुश्तैनी जो है ये ताश का
पुस्तैनी से आ रहा है ना, कबाब का दुकान पुस्तैनी से आ रहा है, पुस्तैनी से इनका टास कबाब का दुकान आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं जिनके दादा जिनके पापा और मेरे अयूब चाचा खानदानी लोग टास बनाता होगा उसका स्वाद कैसा होगा। स्वाद में तो कुछ ना कुछ अंतर होगा जो नया लोग बना रहा है और जिसके पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते आ रहे हैं। तो जो भी बेतिया से लोग देख रहे हैं मैं उनसे कहूंगा कि एक बार जरूर आए यहाँ के स्वाद का आनंद लें और कभी बेतिया आने का प्लान बनाते हैं तो इस जगह पे जरूर आए। चलिए तो मैं अब ट्राई करता हूँ। तो ये देखिए हम लोगों के खिदमत में ताश पेश हो चुका है, अयूब ताश होटल में हम लोग बैठे हुए हैं और टेस्ट हम लोग बताते हैं, आप लोग भी टेस्ट की करके बताइए। एक मिनट, ये ताश है, ये आप लोग देख रहे हैं। वाओ, वाकई जो यहाँ का ताश है ना भाई, कैसा लग रहा है भाई? बचपन से हम भी खाते हैं, हमारे फैमिली को बताइए अच्छा लगता है तभी तो यहाँ आते हैं। अब्दुल्ला भाई बहुत बढ़िया भाई, ये देखिए ये हमारे YouTube फैमिली के लिए ताश है, अयूब चाचा का पूरा प्यार मोहब्बत है और एक्सपीरियंस उन्होंने बताया कि ताश बनाने का 50 साल का एक्सपीरियंस है। तो जिस इंसान का 50 साल का तजुर्बा होगा तो वो तो निखर के आएगा भाई। वाह, यम्मी यम्मी। इसके बाद हम लोग कबाब भी ट्राई करेंगे। ये फाइनली हम लोग का कबाब आ गया, मैंने ताश ट्राई किया बहुत बढ़िया था, भाई लोगों ने हड्डी हड्डी खा लिया क्या भाई? तो ये मैं खोल रहा हूँ, ये हम लोगों ने अभी थोड़ा सा ही मंगाया है 250, क्योंकि आपने देखा कि हम लोगों ने ताश खाया, इससे पहले भी घर से खा के आए थे लेकिन फिर भी यहाँ पर आते हैं, कितना भी खाते हैं तो खाते हैं क्योंकि फिर मैं इसका टेस्ट आपको देख के बताता हूँ, क्योंकि ये जो रिसेंटली यहाँ पर कबाब पहले नहीं मिलता था, क्योंकि आप भी जानते हैं ताश से ये फेमस था लेकिन रिसेंटली यहाँ पर कबाब देखने को मिल जाता है। ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ, भाई लोग भी ट्राई कर रहे हैं, ट्राई करके मैं आपको बताता हूँ। चिकन कबाब है, ये चिकन कबाब है, इसका भी जो टेस्ट है स्वाद है यम्मी है जायका बढ़िया है। और अगर मैं ताश का बोलूँ तो ताश का तो मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वो तो एकदम अलग लेवल का ताश है क्या भाई, क्योंकि यहाँ पर लोग जो ताश खाने के लिए आते हैं बहुत दूर दूर से आते हैं। मैंने अंकल से बात किया था, लौरिया से आए थे, कुछ लोकल से भी लोग आते हैं क्या भाई? बढ़िया, कैसा लग रहा है आप लोगों को कबाब? बहुत अच्छा। चिकन कबाब इससे पहले खाए थे? चले तो यहाँ पर कुछ मेरे भाई लोग खा रहे हैं, उनसे टेस्ट जानने की मैं कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर एक भैया खा रहे हैं, खाइए खाइए, क्या नाम हुआ आपका? इंताफ हुआ। इंताफ, ये इंताफ भाई है, तो कैसा लगता है यहाँ का आपको टेस्ट? बहुत बेस्ट लगता है। अयूब ताश का बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से आते हैं खाने के लिए? बेतिया से। बेतिया से आते हैं खाने के लिए। और यहाँ पर भी हमारे अगर देखिएगा कुछ भाई खा रहे हैं, आप लोगों का क्या नाम हुआ? इरफान भाई। आपका? तारिक भाई। तारिक भाई हाथ मिलाइए, तारिक भाई ये भी है और तारिक सैफुल्ला मेरा भी नाम है। आपका क्या नाम हुआ? तिरलोकी भाई, नमस्कार। तो यहाँ के टेस्ट के बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? आप लोग 10-15 साल का, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि मैं यहाँ पर मेरा जो तजुर्बा है वो बचपन का है, मैं बचपन से यहाँ पर खाते आ रहा हूँ और यहाँ के टेस्ट जैसा आपको कहीं भी ताश नहीं मिलेगा। क्या गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो यहाँ पर आकर अयूब ताश में खा रहे हैं वो कह रहे हैं, यहाँ के ग्राहक कह रहे हैं, यहाँ के जो डेली कस्टमर है वो कह रहे हैं, बताइए गलत कह रहे हैं? टेस्ट कैसा लगता है? और शाम के टाइम में तो और भी बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको भीड़ देखने को मिलेगा। क्या बताइएगा? बहुत अच्छा रहता है। चलिए तो फिर यहाँ का लुत्फ आप लोग लीजिए। यहाँ पर भी अगर देखिएगा तो मेरे चाचा है, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम हुआ आपका? जब बात चाचा है यहाँ के टेस्ट की, यहाँ के स्वाद और जायका के बारे में आप हमारे आवाम को, हमारे पब्लिक को, हमारे जनता को क्या बताना चाहिएगा? टेस्ट इतना है कि तारीफ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आइएगा तो आपको खाने से फुर्सत ही नहीं मिलेगा। ताश की तरफ से नजर हटेगी नहीं कि आप दूसरी तरफ देखिएगा क्या? हम लोग सबसे कम लौरिया से आते हैं। आप लौरिया से आते हैं, देखिए जैसे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ बेतिया से नहीं,
चंपारण के कोना कोना से लोग आते हैं, जैसे ये लौरिया से हैं और आपको देवराज से भी लोग आते होंगे, नरकटियागंज से भी लोग आते होंगे, बहुत हर जगह से लोग आते होंगे। अगर आप बेतिया से हैं, नहीं आए हैं तो जरूर आए, और बेतिया आने का प्लान बनाते हैं तो एक बार जरूर यहाँ पर आए और यहाँ का जायका का आनंद लें। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ भाई मेरे खा चुके हैं और हड्डी हड्डी खाए, इतना स्वादिष्ट है, ये देख सकते हैं आप। क्या नाम हुआ आपका? गुड्डू भाई। आपका टेस्ट कैसा लगता है आप लोग को? बहुत अच्छा है। हम लोग लौरिया से हैं। आप भी लौरिया से हैं? आप की बात भी लौरिया से है, जब भी लौरिया से आते हैं इस जगह पे आती है। ये आप देख रहे हैं ये लौरिया से आके खा रहे हैं, कोई मोतिहारी से भी आके खाते होंगे, कोई नरकटियागंज से भी आके खाते होंगे। 10 साल से आप लोग आ रहे हैं, वो भैया से बात किए 15 साल से आ रहे हैं। हम मैं अपना बताऊं तो मैं भी बचपन से आ रहा हूँ और बहुत सारे मेरे YouTube फैमिली भी कह रहे थे कि अयूब टास्क होटल का आप जो है व्लॉग बनाइए। हम भी कहे हाँ बनाते हैं। थोड़ा लेट किए इसलिए सॉरी, लेकिन जो भी बेतिया से देख रहे हैं एक बार जरूर आए, और बेतिया आने का प्लान बनाते हैं तो एक बार जरूर आए। ये देखिए ये भी अयूब टास्क में टास्क खा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम सैफ हुआ। सैफ भाई, कैसा लगता है यहाँ का टास्क? बहुत मशहूर है, बचपन से हम लोग खा रहे हैं। बचपन से आप भी खा रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? जाउल भाई। कब से खा रहे हैं यहाँ का टास्क और कैसा लगता है टास्क आपको? काफी समय से खा रहे हैं। कैसा लगता है यहाँ का टेस्ट? बहुत टेस्टी। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद आरिफ। आरिफ भाई, कैसा लगता है टेस्ट? बहुत मस्त। ये अभी हम लोगों ने कबाब खाया, अभी हम लोगों ने टास्क खाया, टेस्ट काफी बढ़िया था। तो आप लोग यहाँ पर आकर के यहाँ का स्वाद ले सकते हैं अयूब टास्क होटल का। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो फोन पे गूगल पे में पैसा होना चाहिए क्या भाई, क्योंकि यहाँ UPI का भी व्यवस्था है। इन लोगों का इखलाक जो था बहुत बढ़िया था। ये भाई हमारे कबाब सीखते हुए, इनका भी इखलाक अच्छा था, अयूब चाचा का भी इखलाक अच्छा था, यहाँ के जितने भी स्टाफ उन सबका इखलाक बहुत अच्छा था। और स्वाद का बात करें तो स्वाद तो काफ़ी ही अच्छा था, क्योंकि मैंने अंकल से पहले बात किया, आप लोगों ने भी सुना कि ये जो उन लोगों का कारोबार है ये कुश्ती से आ रहा है। चलिए तो फिर इस वीडियो को मैं यहीं पर कर रहा हूँ समाप्त। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो कि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचते रहे। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ऐसे ही प्यार करते रहो और शेयर करो दबा करके। चलो फिर, बाय, लव यू, अल्लाह हाफिज़।